Good morning students, I am your computer teacher Ruchi Rawat. Today I am going to teach you ninth chapter of computer that is Paint with Tux Paint. Chapter number 9 Paint with Tux Paint Starting Tux Paint Click on the Tux Paint icon on your desktop to start the program. बेटा आपको आपकी स्क्रीन में ये जो इमेज शो हो रही है फर्स्ट इमेज ये क्या है आपके टक्स पेंट का आइकन है जो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन में आपको शो होगा आपको क्या करना है इस आइकन में क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे बेटा तो आपकी जो टक्स पेंट की स्क्रीन है वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी आपकी स्क्रीन में बेटा ये जो आपको इमेज शो हो रही है ये क्या है आपकी टक्स पेंट स्क्रीन मीन्स जब आप अपने टक्स पेंट आइकन में क्लिक करेंगे बेटा तो आपको इस टाइप से स्क्रीन आपके सामने अपेयर मिलेगी इसके लेफ्ट साइड में बेटा ये जो टूल जहाँ पर टूल्स लिखा है ये क्या है आपके टक्स पेंट के टूल है इसे हम क्या कहते हैं टूल बार मीन्स जितने भी यहाँ पर टूल्स अवेलेबल होंगे वो कहाँ होंगे यहाँ टूल्स में लेफ्ट साइड और बेटा इसके बाद राइट साइड देखिए ब्रशेज लिखा है जहाँ ये क्या है आपके सिलेक्टर मीन्स यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ब्रशेज जो भी आपको ब्रश चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अब बॉटम में है बेटा एरिया और यहाँ बॉटम में ही देखिए बेटा यहाँ कलर्स दिया है कलर्स यहाँ पर क्या है जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है अपनी ड्राइंग के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और बेटा ये जो मिड में आपका जो व्हाइट वाइट सा पार्ट है ये क्या है ड्राइंग जितनी भी आपको ड्राइंग करनी है वो कहाँ पर करनी है यहां इस व्हाइट पार्ट में ही आपको ड्राइंग करनी है ड्राइंग टूल्स लेट अस लर्न अबाउट द ड्राइंग टूल्स इन टक्स पेंट अब हम क्या करेंगे बेटा आपको टक्स पेंट में कैसे ड्राइंग टूल्स का आप यूज़ करेंगे कौन कौन से ड्राइंग टूल्स होते हैं ये सब एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट वन इज पेंट टूल द पेंट टूल लेट्स यू ड्रॉ फ्री हैंड पेंट टूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं ओके फ्री हैंड मीन्स कोई भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं जिस भी टाइप की आपको ड्रॉ करनी है इसके स्टेप्स हैं बेटा स्टेप नंबर वन सेलेक्ट द पेन टूल जैसे आपको इमेज में शो हो रहा है बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है टूल में जाकर वहां से पेन टूल को सिलेक्ट करना है देन स्टेप नंबर टू सेलेक्ट अ आप ब्रश आपको ब्रशेज में जाके ब्रश सेलेक्ट करना है स्टेप नंबर थ्री क्लिक दिस एरो तो मोर ब्रशेज अगर बेटा आपको और और ब्रशेस भी देखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं ये जो डाउन एरो है यहाँ पर आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे फिर आपको और जो ब्रशेज है वो अवेलेबल मिलेंगे फिर नेक्स्ट है स्टेप नंबर फोर सेलेक्ट आ कलर अगर आपको कलर सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे यहाँ से कलर बॉक्स में जाके कलर सेलेक्ट करेंगे देन स्टेप नंबर फाइव ड्रैग द माउस टू ड्रॉ ऑन द कैनवस आप क्या करेंगे कैनवस uh, में जाके अपने माउस को ट्रैक करेंगे जिससे क्या होगा आपकी जो लाइन है वो वहां पर जो भी आपको ड्रॉ करना है वो कैनवस में ड्रॉ हो जाएगा कैन यूज द लाइन टूल टू ड्रॉ पैटर्न लाइन बेटा लाइन्स टूल का यूज हम पैटर्न लाइन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं टू ड्रॉ लाइन्स फॉलो दीज स्टेप आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए बेटा कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जैसे कि आपकी स्क्रीन में आपको शो हो रहा है स्टेप नंबर वन है सेलेक्ट टूल सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा लाइन्स टूल को सेलेक्ट करना है जो आपके टूल्स ग्रुप में अवेलेबल है देन स्टेप नंबर टू है सेलेक्ट अ ब्रश ब्रशेस में जाके आपको ब्रश सेलेक्ट करना है देन स्टेप नंबर थ्री सेलेक्ट अ कलर और कलर सेलेक्ट करना है अपनी चॉइस का 4, आपको क्या करना है? जो भी लाइन बनानी है पैटर्न लाइन तो आप अपने ड्राइंग कैनवस में ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये एक पैटर्न लाइन ड्रॉ हो चुकी है शेप्स टूल Use this tool to draw the different shapes given on the selector box. बेटा shapes tool की help से आप क्या कर सकते हैं different different types की shape draw कर सकते हैं ये कहाँ available होता है बेटा जो shapes होती हैं ये आपके selector box में available हो सकती होती हैं बेटा You can choose a blank shape or a filled shape. आप क्या कर सकते हैं बेटा सेलेक्टर uh, बॉक्स से ब्लैंक शेप भी चूज कर सकते हैं और अगर फिल्ड शेप चाहिए आपको तो आप फिल्ड शेप भी यूज कर सकते हैं स्टेप्स हैं बेटा इसके कुछ स्टेप नंबर वन सेलेक्ट द शेप्स टूल टूल्स में जाके आपको सबसे पहले अः uh, शेप को सिलेक्ट शेप्स टूल को सिलेक्ट करना है देन स्टेप नंबर टू सेलेक्ट अ शेप आपको सेलेक्टर बॉक्स में जाके बेटा वहां से जो भी आपको शेप चाहिए जिस भी टाइप की आपको शेप चाहिए आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं स्टेप नंबर थ्री है बेटा सेलेक्ट अ कलर यहां से आप कलर्स में जाके कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी चॉइस का है स्टेप नंबर फोर ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द शेप आपको बेटा स्टेप नंबर फोर में क्या करना है अपने ड्राइंग कैनवस में अपने माउस को ड्रैग करना है जिससे क्या होगा जो भी शेप आप ड्रॉ करना चाहें वो आप ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से क्या कर सकते हैं बेटा आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करके आप शेप टूल की हेल्प से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट है स्टैंप टूल द स्टैम्प टूल इज लाइक अ सेट ऑफ रबर स्टैम्प और स्टीकर्स जो स्टैंप टूल होता है बेटा वो किस टाइप का होता है रबर स्टैम्प और स्टिकर्स की तरह लगता है यू कैन यूज दिस टूल टू पेस्ट द सेम पिक्चर्स अगेन एंड अगेन इस टूल का यूज हम बेटा तब करते हैं जब हमें सेम टाइप की पिक्चर बार बार यूज करनी होती है या फिर ड्रॉ करनी होती है देन इसके भी कुछ स्टेप्स हैं बेटा स्टेप नंबर वन सेलेक्ट द स्टैम्प टूल आपको टूल बॉक्स में जाके स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करना है देन स्टेप नंबर टू पिक्चर टू स्टैम्प ऑन द कैनवस आपको क्या करना है यहां से जो पिक्चर आपकी चॉइस की हो उसे आपको सेलेक्ट करनी है फॉर स्टैम्प के लिए स्टेप नंबर थ्री क्लिक ऑन द कैनवस ऑन डिफरेंट एरियाज टू स्टैम्प इट तो आपको क्या करना है बेटा नेक्स्ट ड्रॉइंग कैनवस में जाके आपको अपने माउस की हेल्प से क्लिक करना है तो जितने टाइम आप जहां जहां पर क्लिक करेंगे वहां पर क्या होगा आपकी जो पिक्चर है उसका स्टैम्प आपको मिलता चला जाएगा तो इस टाइप से आप स्टैम्प टूल की हेल्प से सेम पिक्चर को बार बार पेस्ट करके उसे यूज कर सकते हैं अपने ड्रॉइंग कैनवस में टेक्स्ट टूल यूज दिस टूल टू एड टेक्स्ट टू योर ड्रॉइंग टेक्स्ट टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं टू डू दिस फॉलो दिस स्टेप्स। सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है बेटा स्टेप नंबर वन है सेलेक्ट द टेक्स टूल सबसे पहले आपको क्या करना है टूल्स ग्रुप में जाके टेक्स टूल को सेलेक्ट करना है देन स्टेप नंबर टू है चूज अ फॉन्ट एंड अ कलर आपको क्या करना है यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है वो आप उसमें से चूज करेंगे देन नीचे जो आपका कलर्स है बेटा कलर्स में जाके आप जो भी कलर आपको चाहिए अपने फॉन्ट के लिए वहां से सेलेक्ट करेंगे देन स्टेप नंबर थ्री है क्लिक द क्लिक ऑन द स्क्रीन टाइप ऑन द कैनवस आपको क्या करना है स्क्रीन में क्लिक करना है तो क्या होगा आपका जो टाइपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी यूज दिस

टू इरेजर शेप और टेक्स्ट फ्रॉम द कैनवस यूज दिस इरेजर टूल बेटा अगर आपको अपने ड्राॅइंग में से आ, कुछ शेप या कोई टेक्स्ट जो है वो इरेज करना है तो आप इरेजर टूल की हेल्प से इरेज कर सकते हैं स्टेप नंबर वन है सेलेक्ट द इरेजर टूल सबसे पहले आप टूल से इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे देन स्टेप नंबर सेलेक्ट शेप ऑफ इरेजर आपको क्या करना है इरेजर जो भी जिस भी टाइप से आपको इरेज करना है जिस भी शेप में आपको इरेज करना है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है स्क्वायर शेप तो आप भी इस टाइप से शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं देन स्टेप नंबर थ्री है ड्रैग द माउस टू इरेज फिर आपको क्या करना है ड्राइंग कैनवस में जाकर अपने माउस को ड्रैग करना है तो वो क्या होगा सेम स्क्वायर शेप में ही ये इरेज करना स्टार्ट कर देगा तो इस टाइप से आप अपनी मिस्टेक को इरेज कर सकते हैं इरेजर टूल की हेल्प से मैजिक टूल द मैजिक टूल कैन बी यूज टू गिव स्पेशल इफेक्ट्स टू योर ड्राइंग मैजिक टूल का यूज करके हम क्या करते हैं अपनी ड्राइंग में स्पेशल इफेक्ट्स देते हैं टू गिव आर मैजिक इफेक्ट टू योर ड्राइंग फॉलो दिज स्टेप्स आपको अपनी जब आ, ड्राइंग में कोई स्पेशल इफेक्ट्स देने हो बेटा तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे स्टेप नंबर वन है यूजिंग द पेंट टूल ड्रॉ थ्री कलर्ड लाइन ऑन द कैनवस पेंट टूल की हेल्प से हम क्या करेंगे थ्री कलर्ड की लाइन कैनवस में ड्रॉ करेंगे स्टेप नंबर टू है बेटा सेलेक्ट द मैजिक टूल सबसे पहले हम क्या करेंगे मैजिक टूल को सेलेक्ट करेंगे टूल्स ग्रुप में जाके देन स्टेप नंबर थ्री है चूज अ मैजिक इफेक्ट यहाँ से हम मैजिक इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे देन स्टेप नंबर फोर है ड्रैग ऑन कैनवास टू क्रिएट द इफेक्ट हम अपने माउस की हेल्प से ड्राइंग कैनवस में अपने माउस को ड्रैग करेंगे जैसे ड्रैग करेंगे जो हमारी ड्राइंग है वो वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी बेटा आप अपने ड्राइंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैजिक इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं टेक अ लुक एट द पेंटिंग बिलो एंड सी द इफेक्ट्स दैट हैव बीन यूज बेटा आप जब अपनी ड्राइंग अपनी पेंटिंग में जो, जो बहुत सारे इफेक्ट्स मैजिक इफेक्ट्स जब यूज़ करेंगे तो आपकी पेंटिंग देखो किस टाइप से जैसे आपको नीचे पेंटिंग शो हो रही है इस टाइप से आपकी पेंटिंग बनेगी जैसे आपने यहाँ पर कौन कौन से इफेक्ट्स यूज किए हैं जैसे रेन रेनबो ग्रास फ्लावर रेल्स नॉइज इस टाइप से आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी मैजिक इफेक्ट है जो आपकी स्क्रीन में आपकी राइट साइड मैजिक जो आपका ग्रुप है वहाँ पर शो हो रहे हैं तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेटा मैजिक इफेक्ट्स यूज करेंगे तो आपकी जो पेंटिंग है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी न्यू टूल क्लिकिंग द न्यू टूल विल स्टार्ट अव ड्राॅइंग न्यू टूल में बेटा क्लिक करके आप न्यू ड्रॉइंग स्टार्ट कर सकते हैं स्टेप वन सेलेक्ट द न्यू टूल न्यू टूल में आप क्लिक करेंगे बेटा जो आपके टूल्स के अंदर अवेलेबल है न्यू टूल में क्लिक करना है स्टेप नंबर टू यूज़ आ सॉलिड बैकग्राउंड कलर और यूज आ स्टार्टर इमेज बाय डबल क्लिकिंग इट या फिर बेटा आप बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हैं या फिर आपको अगर कोई इमेज सेलेक्ट करनी है तो आप डबल क्लिक करके इमेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेप नंबर थ्री है बेटा यूज़ द एरो एट द बॉटम टू सी ऑल द अवेलेबल बैकग्राउंड जो आपकी बैकग्राउंड है बेटा आप क्या कर सकते हैं ये जो बॉटम में आपके जो डाउन एरो है इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी बैकग्राउंड्स uh, अवेलेबल है वो सब आपको विजिबल हो जाएंगे तो इस टाइप से बेटा आप न्यू टूल की हेल्प से न्यू ड्राइंग ओपन कर सकते हैं uh, then, इसकी बेटा शॉर्टकट कीज भी है कंट्रोल प्लस एन जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा न्यू ड्राइंग आपकी ओपन हो जाएगी सेव टूल क्लिक द सेव बटन टू सेव आ न्यू ड्राइंग बेटा सेव बटन की हेल्प से हम क्या करेंगे अपनी जो हमने न्यू ड्राइंग में की है उसे सेव करेंगे बाय यूजिंग सेव सेव बटन टूल्स में बेटा सेव का जो ऑप्शन है सेव टूल में आप क्लिक करेंगे देन क्या होगा आपकी जो ड्राइंग है वो सेव हो जाएगी प्रिंट टूल क्लिक दिस टूल एंड यू कैन प्रिंट योर पिक्चर इस टूल में बेटा आप क्लिक करके अपनी जो पिक्चर है उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं क्विट टूल टू क्लोज द टक्स पेंट विंडो डू फॉलोइंग। बेटा अगर आपको टक्स पेंट विंडो क्लोज करनी है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप नंबर वन है क्लिक द क्विट बटन आपको क्या करना है टूल बॉक्स में जो आपके क्विट बटन है उसमें आपको क्लिक करना है स्टेप नंबर टू टक्स पेंट आस्क यू अगेन इफ यू वॉन्ट टू क्विट क्लिक द यस आई एम डन मार्क बेटा टक्स पिंट आपसे फिर से पूछेगा कि आग, आप अगर क्विट करना चाहते हैं तो आपको येस के बटन में क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपनी टक्स पेंट विंडो से क्विट हो जाएंगे मीन्स आपकी जो टक्स पेंट विंडो है वो क्लोज हो जाएगी

जो ओपन टूल है बेटा वो जितनी भी आपने जो ड्राइंग्स में की है जो आपने सेव की है अपने टक्स पेंट में ओपन टूल की हेल्प से आप उसकी लिस्ट चेक कर सकते हैं टू ओपन आ सेव पिक्चर यू डू द फॉलोइंग अगर आपको बेटा अपनी सेव पिक्चर में से कोई भी पिक्चर ओपन करनी है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़े स्टेप नंबर वन सेलेक्ट द ओपन टूल सबसे पहले आपको ओपन टूल को सिलेक्ट करना है Then, a screen showing the picture you have made will be displayed. Means, जो भी आपने picture अभी तक save की है, बेटा, वो सारी pictures आपको आपकी screen में show होगी. Then, step number two, to find the picture you are looking for, use the up and down arrows if needed. आपको क्या करना है, अगर आपको जो pictures find करनी है, बेटा, उसको check करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, up and down एरोज जो है उसकी हेल्प से उसे अप एंड डाउन कर सकते हैं और अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं देन स्टेप नंबर थ्री क्लिक का पिक्चर टू सेलेक्टेड आप क्या करना है आपको जो भी पिक्चर आपको सेलेक्ट करनी है आप यहाँ पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेप नंबर फोर है बेटा क्लिक द ग्रीन ओपन बटन टू लोड दिस पिक्चर आपको बेटा ग्रीन ओपन बटन में क्लिक करना है इसे लोड करने के लिए यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन पिक्चर्स आइकन टू लोड इट और आपको बेटा पिक्चर्स आइकन में इसे क्लिक करके आप इसे लोड करेंगे ओपन बटन बेटा जब आप ओपन बटन में क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर और ऑप्शन भी मिलेंगे दे आर गिवन ब्लो इरेज बटन क्लिक द इरेज बटन टू इरेज द सेलेक्टेड पिक्चर इरेज बटन में क्लिक करके बेटा आप सेलेक्टेड पिक्चर को इरेज कर सकते हैं स्लाइड्स बटन क्लिक द स्लाइड्स बटन टू तो सी द स्लाइड शो अगर आपको बेटा स्लाइड शो देखना है तो आप क्या करेंगे स्लाइड्स बटन में क्लिक करेंगे देन बैक बटन क्लिक द बैक बटन टू रिटर्न द प्रीवियस स्टेप अगर आपको अपनी प्रीवियस स्टेप में वापस आना है तो आप क्या करेंगे बैक बटन में क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा जो आपका प्रीवियस स्टेप था आपकी आप वहाँ पर क्या होंगे वापस आ जाएंगे तो इस टाइप से आप अपने टक्स पेंट का बेटा ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं लास्ट है लेट अस समराइज टक्स पेंट इज अ ड्राइंग एंड कलरिंग प्रोग्राम टक्स पेंट जो है बेटा एक ड्राइंग और कलरिंग प्रोग्राम है

उसे भी यूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई शेप या ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं टक्स पेंट में यू कैन सेव यूर ड्रॉइंग यूजिंग द शेप सेव टूल बेटा आप सेव टूल की हेल्प से अपनी जो आपने ड्रॉइंग में की है उसे सेव कर सकते हैं टक्स पेंट में थैंक यू